दिल्ली में आपका स्वागत है। सुबह का वक्त, सुबह बनारस मशहूर है लेकिन जमुना के किनारे भी सुबह कमाल की है। अरे सामने बैठिए, जिसको भी चाहिए सामने बैठिए। मोहब्बत से सुबह सुबह के वक्त जमुना गए, वहाँ पर परिंदे मिले, फ्रेम इतना अच्छा नहीं मिला। अब आए जामा मस्जिद, जामा मस्जिद मशहूर है भीड़ भाड़ केओटिक स्ट्रीट्स खाने पीने के लिए। सुबह का वक्त है, बिरयानी खा नहीं सकते, इसलिए बन मस्का। बचपन की याद ताज़ा हो गई। अब यहाँ की मशहूर चाय पता नहीं क्या मिलाते हैं, वो मिलने वाली है, टेस्ट करते हैं। वाह जबरदस्त, मजा आ गया। चलिए चचा, क्या नाम है आपका? रफीकुद्दीन। रफीकुद्दीन, माशाल्लाह। और आप दिल्ली के ही हैं पुरानी? हाँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ। यहीं पैदा हुए आप? हाँ। और आपकी उम्र क्या है? 78। यानी आज़ादी देखी आपने? हाँ, देखी है। तो ये घर आपका है? हाँ, ये अपना ही घर है। और यहीं रहते हैं? यहीं रहते। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या फर्क लगता है पहले के जमाने में और अब के जमाने में? हाँ, क्या फर्क आया है पुराने जमाने में और आज के जमाने में? भाई अब क्या है भैया, जैसा वक्त है वैसे चल रहा है।
मोहब्बतें कम हुई हैं बढ़ी हैं? हाँ जी, मोहब्बतें कम हो गई या बढ़ गई? हाँ हाँ, मोहब्बतें बहुत कम हो गई। कम हो गई ना? हाँ जी, वो चीज नहीं रही जो पहले थी है, हमारे टाइम के अंदर। जी जी, पहले बच्चा अपने आप को छुपाता था, छुपाता तो खुल के करता है। जी 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 जी, ये फर्क आया है। हाँ, ये बहुत फर्क आया है। तो ये जिस गली में आप रहते हैं उस गली का नाम क्या है? चूड़ी वाला। ये सब बच्चे आए हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं सब ये। अच्छा, ये पहला सबक है और लेसन है कि आपको जो चीज़ पसंद आ रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जो पसंद आए वो किसी और को पसंद ना आए। आप जैसे लोग ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं जिनको वो सब्जेक्ट पसंद आएगा। सर, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, प्लीज़। हम इस दुनिया में इन तमाम चीज़ों का हिस्सा हैं। अच्छा होगा तो दुनिया आपके काम को अप्रिशिएट करेगी एंड शेयर करेगी। जब आप काम करते हैं दो तीन तरीके से चीजें आपके सामने आती हैं। एक वो जो आपको प्रोत्साहित करते हैं या आपको एनकरेज करते हैं आपके आसपास के लोग। एक वो लोग जो ये चाहते नहीं है कि आप किसी भी तरीके के कोई काम अच्छा काम करें तो आपको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। एक होते हैं क्रिटिक्स। क्रिटिसिज्म जो है वो आपको डिमोरलाइज भी कर सकता है और आपका मोरल बूज भी कर सकता है। तो क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करिए, लाइक फाइल वाले लोगों को आउट कर दीजिए और जो शुरू में आपको बूस्टअप करते हैं आपका मोरल उनको हमेशा याद रखिए। काम से प्यार करिए, काम बोलता है। तो आप किस चीज़ में कैरियर परसू करना चाह रहे हैं अपना? फाइनेंस में। तो फोटोग्राफी क्यों? ये पसंद है, ये भी तो फिर इसको भी परस्यू करता हूँ थोड़ा। शादी होगी के सेंटर में खड़ा कर देंगे तो जो मॉडल है उस पर तो फोकस आएगा आएगा, बट जो वी बन रहा होगा जिस मॉन्यूमेंट जिस तरीके से लीडिंग लाइन जा रही होंगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आपके कहने का मकसद है कि जो आपका मॉडल है वो एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके जरिए आप कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं, और कोई राय, और कोई ओपिनियन? जैसे मॉडल के फ्रेम से फिर दूसरे फ्रेम को हम शो करने के लिए। बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आपको क्या पसंद है और आप क्या दिखाना चाहते हो। कोई फिक्स रूल नहीं है, जो पसंद है वो करिए, खुलेआम करिए और खूब अच्छी तरीके से करिए। यस, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कैमरे की सेटिंग। तो अगर मैं पूछना शुरू करूँ क्विक, आप किस तरीके की सेटिंग में शूट करते हैं? The portrait will be low. For example, if I'm doing a portrait, for example, if I'm doing portrait photography, the aperture would be around 4 and 5. Yes. Widest. Yes, sir. आप करते हैं, आपका अपर्चर क्या रहता है? वही अपर्चर इंपॉर्टेंट। क्योंकि मॉडल का है तो आई विल गो फॉर 7.1 और 8 क्योंकि आई शार्प का मैंने दिखा था कॉन्सेप्ट, तो 7.1 और 8 के बीच में आई सबसे शार्प आती है। मतलब मॉडल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंसान में या फिर एनिमल्स में आईज होते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर 8 देन यू कैन हैव एवरीथिंग इन फोकस। Widest aperture is the key. आपके aperture क्या होता है? iPhone photography. I don't use camera. Okay. उसमें भी है ना aperture है ना उसमें भी? हाँ, portrait में हाँ है। aperture के बगैर काम चलता। मैं आपको बताऊँ, मैं different aperture में, आज मैं 2.8 maximum है मेरे पास, लेकिन मेरा favorite lens है 85mm Nikkor 1.4।
मेरे जितने पोर्ट्रेट हैं ज़्यादातर मैं वाइडेस्ट अपर्चर में शूट करने की कोशिश करता हूँ, और आइज हमेशा क्लियर आती है। व्हेन यू शूट हेयर दिस विल ऑटोमेटिकली कम, इट विल कम। जैसे मेरा प्राइम लेंस है मेरे पास, प्राइम लेंस है, बेस्ट है, 1.2 अपर्चर है उसका, 50mm है, 50mm इज द बेस्ट लेंस फॉर द पीपल हु आर इन टू द इनिशियल स्टेज ऑफ फोटोग्राफी। तो पोर्ट्रेट में वाइडेस्ट अपर्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रैवल फोटोग्राफी में जाते हैं इफ यू वॉन्टेड टू हैव ऑल थिंग्स टुगेदर, F8 डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो मैनुअल में शूट करते होंगे, जितने लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं डेफिनेटली जिसको जो सूटेबल लगे उसमें कर सकते हैं, ऑलवेज गो फॉर अपर्चर प्रायोरिटी, वो दैट्स द थिंग विच यू नीड टू बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ। उसके बाद वो आपको बताता रहता है कि आपकी स्पीड क्या है, वो स्पीड को आप फटाफट कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो आपके सामने हो रहा है, जो हैपनिंग हो रही है, दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। सो आपका अपर्चर सेटर रहना चाहिए। तो अपर्चर प्रायोरिटी होता है, कुछ लोग शटर प्रायोरिटी पे करते हैं, कुछ लोग मैनुअल पे करते हैं। तो जो भी कम्फर्ट है, अगर अपर्चर प्रायोरिटी में अगर कर रहे हैं तो आप लो लाइट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा लो लाइट से, क्यों होगा? अगर स्पीड यानी कि आदमी का स्पीड अगर ज्यादा स्पीड उसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर अपर्चर ISO आप करते हैं, ISO बढ़ाइए ना, पंप अप करिए, ISO पंप अप करेंगे तो फिर उसमें ग्रेन से आने लगेगा। इससे बात घबराइए ना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर फोटोग्राफ एंड योर परसेप्शन। इसके लिए क्यों परेशान होते हैं? आपका जो आपने जो परसीव किया माइंड में वो इम्पोर्टेंट है, आपका ग्रेन्स आ गए वो इम्पोर्टेंट है। छोटे ग्रेन को आप थोड़ी सी शार्प कर लिए सही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लियर आना चाहिए। तो यह है अपना अपना तरीका है, लेकिन फोटोग्राफी से घबराने जो मर्जी है शूट करो। दानिश भाई बताइए, ये ज़्यादा बड़े फोटोग्राफर है, मुझे तो पता होता कुछ नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर है। बच्चों को बताइए आपकी, बट हाँ जो बड़ी फोटोग्राफर्स हैं जिनको बिल्कुल जीरो आइडिया है, ठीक है, वो मेरे एक्सपीरियंस को कॉपी कर सकते हैं या फिर लेके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ट्रैवल फोटोग्राफी में हमें हमेशा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए किसी पे, लाइक हम किसी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई कोर्स करते हैं, तो हम ऑलवेज किसी चीज़ के देखने की कोशिश करते हैं ना। तो फोटोग्राफी में इन्वेस्टमेंट जो है वो पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि रादर एक्सपेंसिव गियर्स या लेंसेज देने से बेटर है पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। आपका कोई सा भी गियर हो, कोई सा भी फ़ोन हो, डजंट मैटर, इवन स्मार्टफोन से मैंने शुरू किया था। इनफैक्ट मेरे जैसे लोग यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो स्मार्टफोन से फोटोग्राफी कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह जाएंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रैवल फोटोग्राफी में दो चार चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक रिसर्च, ठीक है। रिसर्च इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रैवल फोटोग्राफी या फोटोग्राफी पूरा नाम क्या है? सुधांशु बिश। सुधांशु बिश करते क्या होते? सर कुछ नहीं, 12th के बाद तो कुछ करा ही नहीं। करना क्या है आगे? जैसे चलता है चलने दो, फोटोग्राफी में अगर देखते हैं अभी हमारे, हमने तो कुछ सोचा नहीं अभी, जैसे फ्यूचर आ गया है देखते क्या होता है। हमारे आज के सफर में जो साथ थी वो मोहनी साहब थी। मोहनी से पूछते हैं, मोहनी मॉडल नहीं है, मॉडल कुछ और भी है, क्या है आप? मैं योगा टीचर हूँ। योगा टीचर, ऑनलाइन योगा टीचिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लुएंसर वर्क थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करते हैं। तो कितने साल से आप योगा सिखाती हैं? मुझे सिखाते हुए 3 साल हो गए। और आज का जो फोटो शूट हुआ थोड़ा सा डिफरेंट था या बोर था, कैसा लगा? नहीं अच्छा था, बस टाइम हमारे पास कम था लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा आपसे मिलकर, हैं गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। हैं आप लोगों को यूं ही सेहत के बारे में बताती रही है। कैसा रहा सेशन? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये ऐसे कह रहे हो सच्ची में? असली में। आई होप के समझ में आए होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत बेसिक था आज का। लेकिन कोशिश करिएगा कि फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइट, लाइट्स के प्ले जो कर सकता है वो कर लीजिएगा, और फ्रेम, जहाँ लाइट भी नहीं हो फ्रेम होगा, दोनों में से कुछ एक। जानवरों से मोहब्बत है। तो आप बहुत पसंद करते हैं? हाँ जी। हैं आपने घर में है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है? लैब्राडोर कुकी। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फोटोग्राफर का ये वाला प्रेम होना चाहिए।